Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. So, dosto, aaj ka presentation hai new launch Siesta Tower at Prestige City Mulund. So, let's begin with the presentation. तो दोस्तों प्रेस्टीज सिएस्टा ये आज ही लॉन्च हुआ है और ये मुलुंड वेस्ट में है और इसका एग्जैक्ट लोकेशन LBS मार्ग से आपको आना है अग्रवाल रोड के ऊपर। तो अग्रवाल रोड के बिल्कुल बाजू में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है प्रेस्टीज सिएस्टा। वैसे पूरे टाउनशिप का जो नाम है वो प्रेस्टीज सिटी ऑफ मुलुंड है जिसके अंदर अलग अलग क्लस्टर है, अलग अलग लैंड पार्सल है। तो पहले एक लैंड पार्सल में उन्होंने बैलेंजा लॉन्च किया था जो कि अभी भी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आज ही इन्होंने लॉन्च किया है सिएस्टा। तो ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं दोस्तों ये सिएस्टा का एलिवेशन है जो कि करीबन 2 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है और इसमें आपको एक लेवल बेसमेंट पार्किंग, एक लेवल ग्राउंड आ जाएगा, उसके बाद 9 लेवल ऑफ पोडियम पार्किंग है, उसके बाद 10th और 11th फ्लोर जो रहेगा वो एमिनिटीज़ के लिए रहेगा, 12 फ्लोर जो रहेगा वो प्योरली सर्विस फ्लोर रहेगा और उसके बाद 41 हैबिटेबल फ्लोर्स है। तो सिएस्टा में दोस्तों दो विंग है, ए और बी विंग। ए विंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4 BHK और बी विंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन 3 and 4 BHK। सो दिस इज हाउ द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग इज। इट्स वेरी ब्यूटिफुल एलिवेशन। After all, developer is Prestige और Prestige is a branded developer। उनके presence all over India में बहुत सारे cities में है, मुंबई में भी उनके बहुत सारे projects चल रहे हैं। तो Prestige City of Mulund is one of the project और Prestige Siesta जो आज ही launch हुआ है। तो दोस्तों ये ultra luxury segment flats है, इसमें बड़े flats है 3 BHK and 4 BHK flats। तो दोस्तों मास्टर लेआउट अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सिएस्टा है जिसमें ए और बी विंग दिया गया है जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है। और सेंटर में जो राइट साइड में आप देख रहे हैं जो 3 बिल्डिंग सी टाइप उस तरफ है और सी टाइप नीचे की तरफ है वो बैलेंजा है जिसमें बैलेंजा में 6 विंग है। तो बैलेंजा में इन्होंने 4 विंग लॉन्च किया है, ए बी सी और डी, ई और एफ अभी तक लॉन्च किया नहीं है तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और सिएस्टा जो है वो अभी अभी लॉन्च किया है, पर सिएस्टा में जो है वो प्रीमियम सेगमेंट फ्लैट्स है, बड़े साइज़ के फ्लैट्स है। अगर आप छोटे साइज़ का फ्लैट देख रहे हैं जैसे 2 BHK 2.5 या 3 BHK थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज़ अगर आप देख रहे हैं तो बैलेंजा में मिल जाएगा। ये प्रेस्टीज सिटी तो टोटल दोस्तों 37 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है जिसमें ग्रीन कलर का नीचे की तरफ आप देखेंगे प्रोपोज हॉस्पिटल है और राइट साइड में जो आप ये गार्डन जैसा आप देख रहे हैं जो हाफ कर्व्ड गार्डन जैसा देख रहे हैं डेट इज सेंट्रल गार्डन, वो करीबन 2 एकड़ का गार्डन होगा, वो सेंट्रल गार्डन है विच विल बी डेवलप बाय प्रेस्टीज ग्रुप और डेवलपर ये गार्डन को डेवलप करके बाद में फिर BMC को हैंडओवर करेगा। तो ये सेंट्रल गार्डन रहेगा जो कि पब्लिक के लिए रहेगा, सारे पब्लिक के लिए रहेगा, कोई भी इस पर जा सकता है। तो अगर एमिनिटीज़ के अलावा बिल्डिंग में किसी को अगर सेंट्रल गार्डन में जाना है वॉकिंग करने के लिए या थोड़ा सा वहाँ जॉगिंग वॉकिंग करने के लिए तो वहाँ पर आप सेंट्रल गार्डन में जा सकते हो। और सेंट्रल गार्डन के राइट साइड में आप देखेंगे अगेन ग्रीन कलर का बड़ा सा बेल्ट है तो वो प्रपोज्ड डेवलपमेंट है जो कि आगे डेवलपर वहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं वो तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे एक सर्कल है, वो सर्कल जो है ये प्रेस्टीज सिटी का मेन सर्कल है। इस सर्कल से आप लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्लेक्स पे आप जा सकते हो बिकॉज इट्स अ 37 एकड़ टाउनशिप, तो काफ़ी बड़ा टाउनशिप है। तो ये जो मेन एंट्री रहेगा, जो सर्कल रहेगा वो मेन एंट्री रहेगा। तो सर्कल के बाजू में एक और एक प्लॉट है जो कि रिजर्व्ड प्लॉट है, वो स्कूल के लिए है। उसके बाद ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देखेंगे प्रपोज्ड कमर्शियल प्लॉट है, वो भी अगेन रिजर्व्ड है और प्रपोज्ड रिटेल प्लॉट है वो भी अगेन रिजर्व्ड है, जो छोटा सा स्क्वायर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ। और फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉर्नर, ऊपर की तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉर्नर आप देखेंगे अगेन डेट इज़ फ्यूचर डेवलपमेंट। तो खैर आज हम लोग बात करेंगे सिएस्टा के बारे में जो कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। बिल्डिंग का जो टॉप एलिवेशन आप देखेंगे थोड़ा सा ऐसा वी शेप दोनों तरफ से दिया गया है, तो ऐसे प्रोजेक्शंस जो वी टाइप जो होता है थोड़ा सा प्रोजेक्शन हर एक तरफ से आप देखेंगे प्रोजेक्शन बाहर आया हुआ है, तो ऐसे प्रोजेक्शन में क्रॉस वेंटिलेशन बिल्डिंग में बहुत बढ़िया रहता है। और सिएस्टा के लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं जो लेन है, जो बड़ा सा रोड आप देख रहे हैं डैट इज़ अग्रवाल रोड जो कि LBS पार्क से करीबन 100-200 मीटर अंदर है।
और फिर उसके बाद जो है वो नेशनल पार्क शुरू होता है। तो लोकेशन मैप में आप देखेंगे दोस्तों, मुलुंड स्टेशन से आपको आना है LBS मार्ग के ऊपर, उसके बाद अग्रवाल रोड के ऊपर आप आते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेस्टीज सिटी लिखा हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट का अगर आप USP अगर आप देखते हैं तो एपेक्स हॉस्पिटल हार्डली 500 मीटर्स पर है, मनीषा यूनिवर्सल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 800 मीटर्स पर है, आस्था हॉस्पिटल 1.2 किलोमीटर, उपासनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 3 किलोमीटर, फोर्टिस हॉस्पिटल बुलुंड 3.4 किलोमीटर, और स्कूल्स वाइज अगर आप देखेंगे तो NES इंटरनेशनल स्कूल 0.6 किलोमीटर, बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल 1.7 किलोमीटर, DAV इंटरनेशनल स्कूल 2.5 किलोमीटर, श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर 3 किलोमीटर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल 4.9 किलोमीटर। बिजनेस वाइज अगर आप देखेंगे तो पवई यहाँ से 13 किलोमीटर पर है, विक्रोली 11 किलोमीटर पर है, ऐरोली 11 किलोमीटर पर है और थाने 4.8 किलोमीटर। स्पोर्ट्स एंड लीजर वाइज अगर आप देखेंगे तो कालिदास स्टेडियम 1.9 किलोमीटर, सरदार प्रताप सिंह उद्यान 2 किलोमीटर, प्रिया दर्शनी इंदिरा गांधी क्रीड़ा संकुल 2.2 किलोमीटर, कालिदास स्विमिंग पूल 2.5 किलोमीटर एंड मुलुंड जिमखाना 4.5 किलोमीटर। शॉपिंग वाइज आर मॉल 1.4 किलोमीटर, टी मार्ट 3.1 किलोमीटर, विवानिया मॉल 5.9 किलोमीटर एंड आर सिटी मॉल 11 किलोमीटर। दूसरा प्लस पॉइंट दोस्तों इस प्रोजेक्ट का ये है कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड बहुत जल्दी कनेक्ट हो रहा है। तो अगर किसी को सेंट्रल साइड से अगर वेस्टर्न साइड गोरेगांव वेस्टर्न साइड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तो वाया गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से आप ट्रैवल कर सकते हो। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आने में हार्डली 15 मिनट लगेगा बाय रोड। दूसरा दोस्तों, आप कोई भी फेसिंग का आप इसमें फ्लैट लेते हो, भले फिर वो ईस्ट फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो, आपको इसमें सारा ओपन व्यू मिलता है सामने की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ओपन स्पेस दिया गया है कॉम्प्लेक्स में, जो कि सिर्फ 40% स्पेस जो है कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है और 60% स्पेस जो है वो ओपन रखा गया है एमिनिटीज़ के लिए। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप सिटी फेसिंग व्यू अगर आप लेना चाहते हो फ्लैट तो सिटी फेसिंग भी मिल जाएगा, तो अगर आप संजय गांधी नेशनल पार्क योगी हिल्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो साइड का भी फ्लैट आपको मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्ट में ये है कि 3 BHK और 4 BHK में दोनों में बहुत बड़ा डेक दिया गया है, जो कि 450 स्क्वायर फीट का ये डेक है और ये रनिंग डेक है थ्रू आउट द फ्लैट। तो 450 स्क्वायर फीट का ये डेक दिया गया है जहाँ पर आप देख रहे हैं आप आराम से आप बैठ भी सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हो, आप फैमिली के साथ भी बैठ सकते हो वहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा डेक दिया गया है और यहाँ पर भी आप देखेंगे आप इंजॉय कर सकते हो नेचर को, आप अपना बुक्स रीड कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आप अपना हैमॉक रख सकते हो और एट द सेम टाइम हर एक फ्लोर के ऊपर ये डेक दिया गया है तो आपको प्राइवेसी मिलती है ऊपर वाले फ्लैट से। और उसके साथ साथ में जो ग्लास फसाड जो लगा हुआ है, जो डेक के ऊपर जो ग्लास फसाड लगा हुआ है, दैट इज टफन ग्लास, दैट इज अगेन द सेफ्टी फॉर द मेंबर स्टेइंग इन द कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको हाई स्ट्रीट रिटेल प्लाजा मिलता है, फाइन डाइन एंड कैफे मिलता है, प्रपोज्ड स्कूल भी है जो कि आगे चलकर स्कूल बनेगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेस्टीज सिटी के अंदर, कुछ बिजनेस सेंटर्स रहेंगे, कुछ ऑफिस प्रमाइसेस भी बनेगा आगे चलकर। सो देयर इज़ अ प्रपोज्ड टेम्पल एंड प्रपोज्ड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में यहाँ पर जुपिटर या फोर्टिस हॉस्पिटल आ सकता है, अगेन देयर इज अ ब्रांडेड हॉस्पिटल इन दिस प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ द रनिंग डेक जो कि करीबन 450 स्क्वायर फीट का डेक है, या तो आप इसको ओपन स्काई लॉन्च भी बोल सकते हो। एंड सेकेंडली यू गेट अ पैनोरामिक सिटी एंड हिल व्यू फ्रॉम दिस डेक फ्रॉम दिस फ्लैट। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लग्जरियस ड्राइव वे दिया है कॉम्प्लेक्स के लिए विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन इन द सराउंडिंग एरिया। अगेन द वंडरफुल इमेज ऑफ द स्काई लॉन्च जहाँ पर आप अपना जो स्लाइडिंग है उसको आप रिनोवेट भी कर सकते हो, आप पूरा ओपन भी कर सकते हो अगर आप चाहे तो। दोनों तरफ से अगर आप स्लाइडिंग निकाल देते हो तो आप बैल्कनी और अपने हॉल को आप मर्ज कर लेते हो, तो आप जैसे आप अंदर हॉल में बैठे हो तो यू गेट अ प्योरली ओपन व्यू ऑफ द सिटी आउटसाइड एंड ऑफ द हिल्स आउटसाइड। सेकेंडली बिगर कारपेट के अलावा यहाँ पर दोस्तों जो सीलिंग का हाइट है वो क्लियर 11 फीट क्लियर हाइट दिया गया है फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग। और डबल हाइटेड कैफे दिया गया है 10th और 11th फ्लोर पे, जो कि अगेन आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है सिटी का और योगी हिल्स का, और प्लस 25+ लग्जरी एमिनिटीज़ प्रेस्टीज सियास्टा में दिया गया है।
So in amenities, we have gymnasium, spa, business center, mini theater, library, business lounge, indoor games area, yoga and meditation zone, dance and aerobic studio and multi-purpose music studio. So यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों gymnasium, उसके बाद yoga and meditation zone, indoor games area, business lounge, dance and aerobic studio, multi-purpose music studio. जिनको म्यूजिक का शौक है वो यहाँ पर आके म्यूजिक सीख सकते हैं. एंड देयर इज अ बिजनेस सेंटर टू, लाइब्रेरी, मिनी थिएटर, और दीज आर द एमिनिटीज जो कि 11th फ्लोर के ऊपर दिया गया है. जैसे मैंने आपको बताया 10th और 11th फ्लोर पर एमिनिटीज दिया गया है. सो दिस इज द इमेज ऑफ द स्विमिंग पूल विद अ डेक. सो यू हैव अ सन डेक बाय द पूल, गार्डन विद कबानास, जैकुज़ी, कैफे, सिट आउट लॉन्च, किड्स प्ले एरिया, ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द योगी हिल्स. तो यहाँ पर दोस्तों डबल हाइटेड ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी मिलता है आपको, और उसके बाद प्रीमियम वेट्रीफाइड टाइल्स दिया गया है रेजिडेंस फ्लोरिंग में. प्लास्टिक एमल्शन पेंट यूज़ किया गया है जो कि वॉशेबल है. वॉशरूम्स में सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स जो होगा सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स होंगे, जैसे कोलार का होगा या इक्विवेलेंट टू डैट. बैल्कनी रेलिंग्स इन स्टेनलेस स्टील एंड टफन ग्लास. Three tier security and video door phone in every residence. And the partners involved in this project is architect Vivek Bhole, L&T Construction Company, and Cooper Hills, which is landscape architect designing. So these are branded company which are involved in this project. And this is the beautiful image of the sample flat, very beautifully designed. Or especially the floor to ceiling jo height hai wo 11 feet clear height milta hai aapko isme. Again, this is one more image of the bedroom with full French cut window. तो finally दोस्तों आते हैं floor plan के ऊपर. ये typical floor plan है A और B wing का, जिसमें आप देखेंगे हर एक floor के ऊपर 6 flat दिया गया है with combination of 3 and 4 BHK. तो अगर आप unit plan अगर आप देखेंगे 4 BHK में, तो इसका carpet area है 2100 carpet area, जो कि प्राइस इसका शुरू होगा 5.10 CR से, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट. और अगर आप 3 BHK देख रहे हैं तो 3 BHK 1440 कारपेट एरिया है. अगेन द प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 3.45 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट. एंड फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2025 में. तो बिल्डिंग का ऑलरेडी 14 स्लैब कम्प्लीट हो चुका है और सिंगल स्टैंड अलोन टावर है. वैसे तो दो टावर है बट इट्स अ सिंगल बिल्डिंग, दो विंग है उसमें, पर उस इसका पोजीशन जो है वो दिसंबर 2025 में हो जाएगा. अगर आप छोटा फ्लैट लेना चाहते हैं, मान लो आप 2 BHK या 2.5 या 3 BHK लेना चाहते हैं, तो आप बैलेंजा में ले सकते हो. उसमें कुछ टिकट साइज़ थोड़ा सा कम है, और लेकिन उसका जो पोजीशन होगा वो दिसंबर 2026 में होगा. कुछ पेमेंट प्लान्स भी अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए. तो दोस्तों बुकिंग के लिए और पेमेंट प्लान जानने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561 पर. और प्रेस्टीज ग्रुप के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए इन ऑल ओवर मुंबई, पुणे, बैंगलोर, एनीवेयर आप मुझे फ़ोन कर सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून. बाय बाय, टेक केयर.